नमस्कार जरा नजदीक आओगे कुछ बात करनी थी और नज़दीक थोड़ा इधर आओ कान नजदीक लगाओ एकदम से बिल्कुल पास किसी और को सुननी नहीं चाहिए बात बहुत खास बात है और नजदीक आओ थोड़ा सा और कान बिल्कुल पास में है ना नमस्कार आदाब सीकाल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में आज है ट्वेंटी थ्री स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को ठीक है ये कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है इनके साथ पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो ठीक है ओके आ, पढ़ सकते हैं हम मेरे बारे में राइट और हमारी लर्निंग ये एक ऐप है वेबसाइट है जिसपे आप विजिट करके फ्री क्विजिट डेली बेसिस पर अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर आप जाकर हमारे पेड कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं ठीक है ओके चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ये फ्री क्विजेस हैं ओके जो कि मैथ्स और रीजनिंग के आपको डेली बेसिस वहाँ पर मिल रहे हैं प्रिलम्स और मेंस के और स्पीड मैथ के क्विजेज भी आपके एक तारीख से डलने शुरू हो जाएंगे इन सबको डेली अटेंड किया कीजिए ये वाले क्विजेज हैं सुबह ग्यारह बजे अपलोड हो जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस ठीक है आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं फ्री में मिल रहे हैं ज़रूर किया करो अटैम्प्ट किया करो ठीक है आ, ये मेरे कोर्सेज़ के बारे में है अगर आप मेरा वीडियो प्लस पीडीएफ कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस प्राइस पर उपलब्ध है अगर आप पीडीएफ और क्रूजेज लेना चाहते हैं तो इस प्राइस पर उपलब्ध है जिसका नाम मेरे तरफ से क्रॉसवेड रखा गया है और ये मेरा जे और डी का कोर्स है ये भी उपलब्ध है उम्मीद करता हूँ फर्स्ट ऑफ़ जनवरी को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा और सेकेंड ऑफ जनवरी को वो मेरे इस क्लास में ज़रूर दिखेंगे क्योंकि सिलेक्शन के साथ भी सिलेक्शन के बाद भी इसी मोटो के साथ मैं यहां पर आपके लिए खड़ा हूं सिलेक्शन के साथ तो खड़ा ही खड़ा हूं सिलेक्शन के बाद इस कोर्स के रूप में भी आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा ठीक है तो so, सिलेक्शन के बाद भूलना नहीं है मुझे सिलेक्शन के बाद मैं ही याद रहूंगा आपको ठीक है एट द रेट केक आटपल सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा एट द रेट के कर्टपल जहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस की पीडीएफ एंड अपडेट्स मिल जाएंगी आज की पहली न्यूज आई है वो आई है एडीबी से एडीबी ने क्या किया है

कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को यहां पर आपका डेवलप किया जाएगा जो कि वहां के टूरिज्म को और बढ़ावा देंगे ये एक ADB के द्वारा हंड्रेड मिलियन का एक एग्रीमेंट यहां पर किया गया है हंड्रेड मिलियन का एग्रीमेंट इंडिया त्रिपुरा अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ठीक है इतना ये तो सिंपल सा है त्रिपुरा को दिया है हंड्रेड मिलियन का दिया है वहां के कुछ टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यह पहला अर्बन प्रोजेक्ट है अर्बन मतलब शहरी विकास योजना यानी कि शहर में किसी पर्टिकुलर शहर में पैसा लगाया जाएगा यह पहली शहरी योजना है यहाँ पर शहरी प्रोजेक्ट है यहाँ पर इन इंडिया में जिसको प्रिपेयर किया गया विद प्रोजेक्ट रेडीनस फाइनेंसिंग के तहत प्रोजेक्ट रेडीनस फाइनेंसिंग क्या है देखो एडीबी के द्वारा आपने बहुत सारी चीजें ये तो सुनी होंगी लोन दिया जाता है पैसा दिया जाता है वगैरह 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 लेकिन एडी भी जो लोन देता है वो अलग अलग तरीके से लोन देता है तकरीबन तीन तरीके होते हैं ए के द्वारा लोन देने के जिसमें से वन ऑफ द वे है प्रोजेक्ट रेडीनस फाइनेंसिंग अब प्रोजेक्ट रेडीनस फाइनेंसिंग क्या है और आखिरकार ऐसा क्या है कि पहला अर्बन प्रोजेक्ट मतलब हमने इतने सारे सर ADV से पैसा ले लिया आगे मैंने लिस्ट भी दे रखी है जैसे है ना ये ADV से इतना सारा पैसा ले चुके हैं हम पिछले कुछ दिनों में और इससे भी प्रीवियस कुछ और ले चुके होंगे तो लेटेस्ट वाली लिस्ट है इसलिए पिछले महीने के और पैसे आए होंगे उससे पहले और पैसे आएंगे तो सर ऐसा क्या है कि ये जो किया गया है और फिर इसमें क्या खास बात है कि पहला ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना है कुछ तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे कि इतने सारे आगे दिए के उनमें कोई प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग नहीं था इसमें ही क्यों है या फिर प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग होता क्या है तो ये समझते हैं प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग क्या होता है कुछ लंबा जोड़ा नहीं है सिंपल सा इसके अंदर टॉपिक है सिंपल सा लॉजिक है और वो ये है कि अह इनकेस प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग उस दो क्राइटेरिया से बेसिस पर दिया जाता है पहली चीज कि ये जो प्रोजेक्ट होगा जिसको ये फाइनेंस करेंगे जिसको ये पैसा देंगे ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं चल रहा होगा चल रहा हो इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी शुरुआत ही करनी है ये कहते हैं ना किसी चीज की नींव रखनी है तो मतलब हल्के फुल्का ka उसका काम हो रहा होगा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा हल्का फुल्का उस पर काम चल रहा होगा तो प्रोजेक्ट रेडी है एक बार है ना चल रहा है स्टार्ट हो रहा है तो उसको बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज पर जीरो से स्टार्ट करने की नीड नहीं है पहली चीज तो ये दूसरी चीज उनका मोटिव ये होता है कि जो भी हम फाइनेंसिंग करें जो प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग के तहत करें जो चीज वो बनकर रेडी हो बनकर रेडी हो जाए जब फाइनल हो जाए यानी कि जो जो इन्होंने प्रोजेक्ट सोचे हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम ये, ये चीजें बनाएंगे तो जब वो रेडी हो जब ये वो यहां पर बनकर रेडी हो जाए तब यहां पर क्या हो जो भी वो प्रोजेक्ट होगा जो भी वो प्रोजेक्ट होगा उससे फर्दर यहां पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बने जिसको एडीवी फाइनेंस कर सके समझ गए मेरी बात क्या मैं कहना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री को मैंने लोन दिया ओके okay, वो फैक्ट्री कोई ऐसा कोई रॉ मटेरियल बनाती है ठीक है कोई भी ऐसी चीज़ बनाती है जिससे फर्दर कोई चीज़ बनती है मैंने उस फैक्ट्री को लोन दिया वो कहती है मैं ये रॉ मटेरियल बनाती हूँ ठीक है और उस पर्सन के दस क्लाइंट हैं दस क्लाइंट है दस दस कंपनियों को वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है है ना फॉर एग्जाम्पल कोई आटा या मैदा बनाने वाली कंपनी है वो आगे यहाँ पर कई बिस्किट्स कंपनी है उनको सप्लाई करती है आटा मैदा अब बिस्किट मैन वाली कंपनी है वो तो उनसे आटा मैदा ले लेती हैं अब मैंने पहले लोन दिया किसको आटा बनाने वाली कंपनी को मैदा बनाने वाली कंपनी को फिर मैं उनसे लिस्ट ले गया भाई साहब आपने अपने क्लाइंट्स को जो बेचा है उनको भी तो लोन चाहिए होगा बिस्किट कंपनी है मुझे लोन मुझे दे दो और उनसे आप रेफरेंस दिलवा दो कि भाई साहब इनसे लोन ले लो बैंक वाले जा, जाएंगे आपके पास इन, इनसे बात कर लेना क्योंकि मैंने इनसे लोन लिया था तो मैं उनके पास जाऊँगा तो एक प्रकार से मैंने उस लोन उस बंदे को फाइनेंस किया जिस बंदे ने कोई ऐसी चीज बना रहा है जिससे फर्दर मेरे लिए आगे फाइनेंसिंग के दरवाजे और खुल जाए तो दैट इज द प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग समझ गए मेरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जिनमें फर्दर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिससे हो सकता है कि एडीवी वहां पर आगे फंडिंग कर सके उस प्रोजेक्ट की भी ठीक है उसकी भी आ, उसको फर्दर डेवलप करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए एडीबी आगे काम कर सके तो फिलहाल हंड्रेड मिलियन का दे रखा है एडीबी और इंडिया के बीच में ये पहला प्रोजेक्ट है ये ध्यान रखना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पहला अर्बन प्रोजेक्ट इंडिया में जो कि प्रोजेक्ट रेडीनस फाइनेंसिंग अंडर यहां पर बनाया गया है ठीक है समझ गए चलो बढ़िया आगे चलते हैं ट्वेंटी के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे लिमिटेड से जुड़ा हुआ है दस ईयर का बिजनेस प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए एंड इसके ऑल्सो एम्स टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ ठीक है कुछ ना कुछ और डेवलप किया जाएगा त्रिपुरा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत इसके अलावा एक डिजिटल म्यूजियम न्यू एडवेंचर पार्क एडीबी अपग्रेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन सच एज दी चतुर्दश देवता टेम्पल ओल्ड अगरतला में है कस्बा कालीबरी का आपका कमल सागर में है और निर नीर महल पैलेस रूदी जाला जो कि त्रिपुरा में है तो ये प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पर ये अपग्रेड करने का प्रयास करेगा ठीक है तो ये कुछ चीजें दे रखिये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट आपके रेफरेंस के लिए आपको जो फोकस करना है इसी पेज पर कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा क्वेश्चन आएगा इसमें से आएगा ठीक है बाकी एडीबी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है अब तक तो उम्मीद करता हूँ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब चीजें रटी होंगी जो स्टेटिक फैक्ट्स होते हैं जो नए स्टूडेंट उनको कह दूं कि जो भी करंट अफेयर्स के नीचे ऐसे बॉक्स में चीजें लिखी होती हैं उनको हम स्टैटिक फैक्ट्स कहते हैं और स्टैटिक फैक्ट्स आपको याद करने होते हैं इनके अलावा कुछ भी और स्टैटिक अवेयरनेस में आपको चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है ओके सर तो जो प्राइवेट बैंक में काम करते हैं बेटा ये आप अपने बैंक से एक बार पूछ लो ना कि वो उसको इंसेंटिवाइज करते हैं या नहीं करते हैं है ना अगर वो इंसेंटिवाइज करते हैं फिर कर लेना अगर सैलरी बढ़ती है वहां पर भी आपकी तो है ना बाकी जॉब में प्रेफरेंस जरूर मिल जाती है है ना नवाड़ ने एक साइन किया है एडीबी के साथ एग्रीमेंट नबार्ड ने एडीबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है हैव लॉस्ड एन इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर सो एनआर सेक्टर ए नाम कुछ नया है लेकिन जब इसको एक्सपेंड करते हैं फुल फॉर्म को तो वही पुरानी चीजें हैं एग्रीकल्चर एन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज और एंड दी रूरल डेवलपमेंट तो ए सेक्टर के लिए यहां पर आपका काम कर रहा है इसके लिए नबार्ड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एडीबी के साथ और इसके साथ मिलकर यहां पर काम करेंगे एक इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे और ये रहेगा आपका ए सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए क्लाइमेट से जुड़ी हुई बातों में नेबार्ड ने इसके तहत यहाँ पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स के साथ भी यहाँ पर टाइप किया है जो कि उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे इनके इस किसी भी तरह की डिफिकल्टीज आती हैं कोई चैलेंजेस आते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में या फिर किसी तरह से यहाँ पर आपका रूरल लेवलीहुड जो कि लोग ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी में उनको सुधार करने के लिए तो ये आपका एग्रीमेंट हुआ है नबार्ड ने एक एडीबी के साथ एग्रीमेंट किया है किस चीज का एग्रीमेंट किया है ए सेक्टर ए सेक्टर क्या है एग्रीकल्चर है नेचुरल रिसोर्सेज है और रूरल डेवलपमेंट या रूरल लिवलीहुड है उन सबको यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए नाबार्ड ने एग्रीमेंट किया है ए के साथ और इसी के तहत यहाँ पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भी नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर टाइप किया गया है Uh, ये तो आपके रिविजन पॉइंट्स हो गए बाद में पढ़ लीजिएगा आराम से वर्ल्ड बैंक ओके सो ए डी बी ए डी बी एंड नाउ वर्ल्ड बैंक है ना ए डी बी आ गया तो वर्ल्ड बैंक क्या था मैं क्या पीछे हटू लो जी वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि मैं डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के बाद जाऊंगा सीधा हम छोटे मोटे बात नहीं करते हम ए डी बी ने बात की त्रिपुरा से छोड़ो ये त्रिपुरा स्टेट स्टेट हम छोड़ो नवाड नवाड़ नवाड़ कौन सी इंस्टीट्यूशन आया ठीक है ए डीबी हम सीधा जाएंगे सरकार के पास तो वर्ल्ड बैंक सरकार के पास बिल्कुल सेंटर में सेंटर में घुसा किसके पास डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस के पास ही चला गया बस बात बात खत्म है ना तो यहाँ पर आपका अरे भाई क्या हो गया खन्ना साहब अरे क्योंकि मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया है आज मेरा बर्थडे भी है और इसमें आपके मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है ओके आर एन जी खन्ना साहब गॉड ब्लेस यू बच्चा कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सिलेक्शन के लिए मैनी मैनी डे ठीक है थैंक यू सो मच फॉर कमेंट है ना ऐसे कमेंट देख कर थोड़ा जोश बढ़ जाता है अपने अंदर भी है ना काम करने का चलो बढ़िया से लगे रहो बाकी दिल्ली किस में हुआ दिल्ली पुलिस लिखा तुमने अगर मैंने गलत नहीं पढ़ा तो अरे भाई दिल्ली पुलिस में हुआ है जय हिंद ध्यान रखना सर सर फोन नंबर दे देना दिल्ली आना जाना लगा रहा तो चलान चलान कट जाता है कई बार ना दिल्ली वाले रोक लेते हैं दिल्ली पुली पुलिस वाले कई बार बॉर्डर बॉर्डर निकलने नहीं देते हैं ना थोड़ा ध्यान रखना साहब जैन साहब तो नंबर नंबर दे दो यार है ना काम आ जाएगा है ना वर्ल्ड बैंक एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिगिनर्स ई कोर्स टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड कंट्रीब्यूट टू ट्रिपल पे इन इंडिया ओके, okay, so पर आपका ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व है प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है ठीक है सिंपल सा लॉजिक है, है ट्रिपल पी का मतलब यही होता है तो ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को यहां पर आपका किस तरह से करना है किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उसके लिए एक ई कोर्स ऑनलाइन कोर्स यहां पर शुरुआत की गई है एक बिगिनर्स के लिए ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की गई है वर्ल्ड बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा वर्ल्ड बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिगनर ई कोर्स टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड कंट्रीब्यूट टू ट्रिपल पी इन इंडिया ये एक स्टेप है टुवर्ड फोस्टरिंग कोलैबोरेशन बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग सिंपल सा लॉजिक बस इतना ही इसमें याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक uh, ने किसके साथ एक टाई अप किया है फॉर द ई कोर्स एक लेकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से संबंधित या फिर वर्ल्ड बैंक ने किसके साथ किया है डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स ने किसके साथ किया है इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर दोनों ने किया उसका पर्पज क्या है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ठीक है अगली न्यूज पे चलते हैं प्राइम मिनिस्टर ने सेलिब्रेट किया एक करोड़ आयुष्मान कार्ड से विकसित भारत संकल्प यात्रा ओके विकसित भारत संकल्प यात्रा जो थी अभी हाल ही में कुछ समय पहले नवंबर 15 को शुरुआत की गई थी कुंती झारखंड से ठीक है इस यात्रा के तहत यहां पर आपका जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की गई हैं प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा मोदी सरकार के द्वारा उनको यहाँ पर लोगों तक वो पहुंच पा रही हैं नहीं पहुंच पा रही उनको लोगों तक पहुंचाना ये इस विकसित भारत यात्रा का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था इसी विकसित भारत यात्रा के तहत यहाँ पर अब तक तकरीबन एक करोड़ आयुष्मान कार्ड्स जो हैं वो वितरित किए जा चुके हैं आयुष्मान कार्ड्स एक ऐसे कार्ड्स हैं या फिर एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत यहाँ पर आप लोग या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं बीपीएल फैमिली के लोग हैं वो पांच लाख रुपए तक बीमा इंश्योरेंस जो है हॉस्पिटलाइजेशन के में यहाँ पर उनको अवेल कर सकते हैं वो खर्चा उनका तो आयुष्मान तो भारत योजना आयुष्मान कार्ड आशा नंबर वो वगैरह वगैरह आभा नंबर सॉरी आभा नंबर है ना तो वही उसी से संबंधित यहां पर खबर है आयुष्मान कार्ड्स विकसित भारत संकल्प यात्रा इस यात्रा के तहत यहाँ पर आपका फ्री ट्रीटमेंट सॉरी इस यात्रा के तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो ट्रीटमेंट दिया जाता है पांच लाख उसके लिए जो आयुष्मान कार्ड्स नीड होते हैं उनको यहां पर दिया गया है एक करोड़ लोगों को और एग्जैक्ट फिगर वन जीरो टू टू थ्री सिक्स वन नाइन अब तक आई है ठीक है तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कौन सी स्कीम के तहत यहां पर एक करोड़ कार्ड्स का वितरण किया गया है तो वो यहां पर स्कीम रहेगी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ठीक है सो ये पी एम जे ए वाई इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया एक करोड़ से ज्यादा का ओके ये है आयुष्मान भारत संकल्प सॉरी मैं कंफ्यूज दोनों में कर रहा हूं मैं जोड़ रहा हूं विकसित भारत संकल्प यात्रा ठीक है ओके चलो आगे चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलीज किया कलेक्टेड वर्क ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी मदन मोहन मालवीय जी विजनरी फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बी एच यू है ना हमारे साथी जो हैं टीम शाक के है ना बी एच यू के ही हैं है ना खिलाड़ी सो so, मतलब खिलाड़ी मतलब आई आई टी वाले खिलाड़ी हैं खेलने वाले खिलाड़ी नहीं सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसी के यहाँ पर जो फाउंडर पंडित मदन मोहन मालविया जी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी उम्मीद करता हूँ कभी स्कूल में इनके बारे में ज़रूर आपने पढ़ा होगा कि कॉलेज में आते आते तो हमारी स्ट्रीम बदल जाती हैं लेकिन स्कूल में जब हम सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ में पढ़ते थे थोड़ी बहुत जो हमने हिस्ट्री वगैरह या इधर उधर को पॉलिटी वगैरह कहीं पढ़ा हुआ तो इनका नाम आपने ज़रूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हीं की जो स्पीचेस हैं उनके जो राइटिंग्स हैं जो उनके द्वारा लिखा गया है अलग अलग जगहों पर उसको एक कंपाइलेशन करके तकरीबन 11 ऐसे वॉल्यूम्स बनाए 11 वॉल्यूम्स मतलब 11 अलग अलग यहां पर किताबें छोटी छोटी किताबें खा लीजिए उनके यहां पर रिलीज की गई हैं कलेक्टेड वर्क ऑफ द मदन मोहन मालविया जी उनको रिलीज किया गया है और ये इवेंट हाल ही में आ, आपका हुआ मदन मोहन मालविया जी की ही बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर ठीक है सिंपल सी न्यूज है उसमें कुछ खास नहीं है आ, इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे कि हाल ही में किसके नाम आ, किन पर्सनैलिटी के जो वर्क्स हैं या फिर राइटिंग्स हैं स्पीचेज हैं उनको एक कंपाइल करके उनके नाम से 11 वॉल्यूम्स निकालेंगे राइट आंसर विद पंडित मदन मोहन मालविया जी ठीक है ओके चलो आगे चलते हैं मणिपुर इनिशिएट सांस कैंपेन 2324 फॉर निमोनिया प्रिवेंशन ओके सो यहां पर डॉक्टर संपम रजन रंजन सिंह है जो कि यहां पर आपका मिनिस्टर है ओके मणिपुर में मिनिस्टर है नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है छोड़ो इन्होंने एक सांस कैंपेन यहां पर शुरुआत की सांस कैंपेन सांस कैंपेन इम्फाल में इसकी शुरुआत की गई और ये बेसिकली जो कैंपेन है ये है संबंधित चाइल्ड हेल्थ केयर से इल्ड हेल्थ केयर इसका पूरा नाम क्या है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया ये इसका पूरा नाम है है ठीक सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सांस का पूरा नाम है इस नाम से ही इस पूरे नाम से ही आप कुछ समझ गए होंगे कि किस परपज से है ये है निमोनिया और निमोनिया भी जो बच्चों को जो निमोनिया होता है ताकि बच्चों के जो मरने की संख्या है चाइल्ड मोर्टेलिटी जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर काफी हद तक कम हो सके इसी चीज के लिए यहाँ पर ये यह सांस कैंपेन जो है उसकी शुरुआत की गई मणिपुर सरकार के द्वारा ठीक है पहली चीज सांस का पूरा नाम याद रख लेना सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया कौन से स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है ठीक है और साथ ही साथ ये जो किया गया मणिपुर में चाइल्डहुड निमोनिया को खत्म करने के लिए ताकि बच्चों की जो मरने की संख्या है चाइल्ड मोर्टिलिटी जो है वो कम हो सके इसके अलावा इसी मौके पर यहाँ पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है उसको भी यहाँ पर एक नया रिसोर्स सेंटर बनाया है बच्चों के लिए स्टेट न्यू बोर्न रिसोर्स सेंटर यहाँ पर आपका चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए काम करेगा तो इस मौके पर दो चीजें लॉन्च की गई एक तो सांस प्रोग्राम लॉन्च किया गया पूरा नाम उसका याद करना है आपको और दूसरा यहाँ पर एक और इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया गया आपका नाम है उसका जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि फोकस करेगा चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर ठीक है तो मणिपुर के द्वारा ये दो चीजें लॉन्च की गई एग्जाम में अगर आता है कि ये किसके द्वारा कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया कि गया तो मणिपुर के द्वारा ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो मणिपुर के द्वारा या मणिपुर ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं तो ये दो इनिशिएटिव्स हैं हाल ही में कौन से स्टेट ने एक बच्चों के निमोनिया को ध्यान में रखते हुए एक सांस कैंपेन की शुरुआत की है मणिपुर ने की है इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं बिहार पुलिस टू लॉन्च मिशन इन्वेस्टिगेशन एट सेवन डेज फ्रॉम जनवरी वन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बिहार में यहाँ पर आपका एक नया इनिशिएटिव लिया गया है कि एक जनवरी 2024 हजार चौबीस सेवन की जब एफ आई आर रजिस्टर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब रजिस्टर होती है एक बार एग्जाम में एफ का फुल फॉर्म पूछा था ठीक है तो देखो ऐसी मतलब छोटी छोटी चीजें हम नॉर्मली कई बार इग्नोर कर देते हैं एफ हाँ ठीक है एफ होगी फिर एग्जाम में एफ आई आर वाकई में पूछा था, मुझे याद नहीं कौन सा साल था ऐसे तीन चार साल पुरानी बात होगी है ना किसी एग्जाम में एफ आई आर फुल फॉर्म देख लो भाला इतनी कॉमन चीज पूछी थी उन्होंने एक एक एग्जाम में तो आधार आधार नंबर पूछ लिया था भाई साहब कि आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं ये पूछा था आपके एग्जाम में आधार कार्ड लेकर देख कर उसको देख कर देख रहे हैं कि कितने डिजिट हैं ये भी पूछते हैं तो इतना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो जाता है कई बार हमारा कॉमन सेंस काम करना वहां पर बंद कर देता है तो वैसे ही एफ आई आर में होता है एफ आई आर फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो आप सबसे पहले पुलिस में अगर कोई आपको कोई शिकायत या कुछ भी आपको कंप्लेंट या जो भी आप करते हो तो सबसे पहले आप जो पुलिस को लिखवाते हो अपनी कंप्लेंट दैट इज एफ आई आर तो एफ आई आर जो है आ, उसके दर्ज होने के पिछहत्तर दिन के अंदर अंदर आपका केस कंप्लीट हो जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हो जानी चाहिए उस केस की कंप्लीट यहाँ पर ये बिहार के सरकार के द्वारा या फिर बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये ऐलान किया गया है उनके द्वारा ये कहा गया है कि एवरी मंथ यहाँ पर रिव्यू होगा हर एक पुलिस स्टेशन का सब स्टेशन का यहाँ पर कि क्या रहा एफ जितनी दर्ज हुई हैं उनका क्या रिजल्ट रहा सेवेंटी डेज के अंदर अंदर वो पूरी हुई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया है नाम इसका रखा गया है मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज और स्टार्ट कब से होगा एक जनवरी 2024 से ये स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ओके गॉट इट आगे चलते हैं हम उत्तराखंड से खबर आज बड़ी खबरें आ रही है स्टेट वाले से है ना स्टेट आज तो स्टेट ही चाहेंगे उत्तराखंड उत्तराखंड क्या कह रहा है उत्तराखंड ने भाई साहब आपको यहाँ पर वहां की हसीन वादियां दिखाने के लिए ये हसीन वादियां है ना तो हसीन वादियां वहां की दिखाने के लिए आपको एक इंतजाम कर दिया उत्तराखंड वालों ने और वो इंतजाम किस फॉर्म में किया है गायरोकॉप्टर के नाम से गायरोकॉप्टर गायरोकॉप्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है ना समझ गए ये मतलब छोटा सा प्लेन है दो बंदे बैठे हैं और ये उड़ेगा हवा में तो बस आप जाकर ऐसी ऐसी लोकेशन को देख सकते हो जो लोकेशन वैसे एक्सेसिबल नहीं होती है नॉर्मली है ना और नॉर्मली हम अगर प्लेन में भी जाते हैं तो इतना कुछ दिखाई नहीं देता और हेलीकॉप्टर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसमें भी वैसे हेलीकॉप्टर में दिख जाती हैं लेकिन वो फिर महंगा पड़ेगा तो गैरोकॉप्टर की हवाई यात्रा जो थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी है ना और थोड़ी उड़ान भी आई थिंक नीचे ही भरेगा ना गैरोकॉप्टर भी तो गैरोकॉप्टर के थ्रू यहां पर आपको हिमालय की वादियां दिखाने के लिए हिमालय एयर सफारी की शुरुआत की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर आपका और ये हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ है किसके द्वारा किया गया है इन पार्टनरशिप दी राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ और इंडिया का पहला हिमालयन एयर सिफारी स्कीम है यूजिंग हेरोकॉप्टर ये गायरोकॉप्टर प्रोक्योर किए गए थे जर्मन कंपनी ओटो गायरोग से एंड द इट विल बी ऑपरेटेड बाय द जर्मन दर्मन पायलटेड इट विल बी ऑपरेटेड बाय जर्मन पायलट्स इनको उड़ाएंगे यहां पर उनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है बैराकी कैंप हरिद्वार से यहां पर उड़ान भरेंगे और राजस एरोस एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड यहां पर इसमें इन्वॉल्व है ठीक है कौन इन्वॉल्व है राजस एयरोस्पेट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड उत्तराखंड के द्वारा किया गया हिमालयन एयर सवारी गैराकॉप्टर है ना आप में से कुछ लोगों ने इसको अलग से नोट करके रख लिया होगा स्क्रीन ले लिया होगा इस न्यूज़ का है ना चलो अच्छी चीज है जब उत्तराखंड जाएंगे नौकरी लगने के बाद तब हो आएंगे इसमें है ना लिया कि नहीं लिया किसी ने स्क्रीन किसने तो लिया होगा जरूर बताओ तसे. इसके अंदर मन में एकदम से इच्छा जाहिर हुई जैसी न्यूज़ पढ़ी हाँ यार ये कुछ ढंग की चीज़ है करने वाली चीज़ है और आपने स्क्रीनशॉट लग के रख लिया इंपॉर्टेंट फोल्डर में रख लोगे बाद में ताकि बाद में याद रहे है ना आजकल तो वैसे माहौल बड़ा चल रहा है यार खबरें आ रही हैं क्या कहते हैं ये हिल स्टेशन की मनाली शिमला और कौन सी जगह थी है ना अटल टनल लंबी लंबी लाइन लगी हुई है क्रिसमस ईव और न्यू ईयर पार्टी लोग मनाने जा रहे हैं और लोग वहां अटक चुके हैं और ना जा पा रहे हैं ना वापस आ पा रहे हैं ना चलो यूपी यूपी टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट ए आई सिटी इन लखनऊ सो लखनऊ में यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की तैयारी कर रहा है और यह इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी होने वाला है उत्तर प्रदेश सेक्टर फर्स्ट ए आई सिटी इन लखनऊ ठीक है और कुछ उसमें है नहीं सिंपल सी खबर है पूछेंगे तो बता देना एग्जाम में अगर आ गया कि कौन सा स्टेट जो है कौन सी सिटी जो है वो यहाँ पर इंडिया की पहली ए ए सिटी बनने की तैयारी कर रही है उसको बनाया जा रहा है तो राइट आंसर विल बी दी लखनऊ लखनऊ उसका सही उत्तर रहने वाला है ठीक है ओके आगे चलते हैं बी एस सी चेयरपर्सन सो बी एस सी चेयरपर्सन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरपर्सन है उनको यहाँ पर एस एस मुंद्रा जी जो फिलहाल है इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है सोलह जनवरी दो हजार चौबीस को और उसके बाद जो नए चेयरपर्सन आएंगे उनका नाम है आपका क्या प्रमोद अग्रवाल जी इन जो कि पूर्व चीफ हैं कॉल इंडिया के इनको चेयरपर्सन बनाने के लिए सेबी ने अपना अप्रूवल दे दिया तो सेबी ने अप्रूवल दिया है किसको चेयरपर्सन बनाने के लिए प्रमोद अग्रवाल जी जो कि चीफ हैं कॉल इंडिया के सिंपल सी खबर रिप्लेस करेंगे किसको एसएस मुंद्रा जी को आरबी ने एक और अप्रूवल दिया है और ये अप्रूवल दिया सतीश कुमार कालड़ा जी एज एम एंड सी स्लाइस्ड बैग्ड नॉर्थ ईस्ट एस नॉर्थ ईस्ट एस ये हैं सतीश कुमार कालड़ा एज दी एम डी एंड सीओ बनाए जाएंगे किसके स्लाइस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट स्मॉल स्मॉल फाइनेंस फाइनेंस बैंक बैंक अलग से बैंक है ठीक है स्लाइस जो है एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है स्लाइस एक आपकी फिनटेक टाइप कंपनी है जिसका विलय हुआ था मतलब इन दोनों का विलय हो चुका था स्लाइस का नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अक्टूबर मंथ की बात है तो ये यहां पर फिनटेक कंपनी इंटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुकी है और इसी के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं सतीश कुमार कालाड़ा जी सतीश कुमार कालाड़ा जी यहां पर पूर्व एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं आंध्रा बैंक के भी और अब ये एमडी एमडीएनसी और भी बहुत सारे पोस्ट पर ये रह चुके हैं और जहां तक मुझे याद है मैं अगर अपनी थोड़ी सी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये एक पर्टिकुलर बैंक में जीएम भी रह चुके हैं ठीक है एक किसी एक पर्टिकुलर बैंक में ठीक है और मैंने जब अपने टाइम पे दो हज़ार ग्यारह दस की बात करूँ मैंने बहुत सारे बैंक्स के इंटरव्यूज दिए थे क्योंकि उस टाइम सभी बैंक्स अपना अपना एग्ज़ाम लेते थे तो तकरीबन मैंने 11 बैंक्स के अलग अलग इंटरव्यू दिए थे पी के क्लैरिकल के क्लैरिकल के भी इंटरव्यू होते थे उस टाइम पे और स्पेशलिस्ट uh, ऑफिसर के तो ग्यारह मुझे आज भी याद है ग्यारह संख्या थी वो एकदम से ग्यारह और मेरा ग्यारह में ही सिलेक्शन हुआ था बैंक्स में ग्यारह के ग्यारह बैंक्स में सिलेक्शन दिया फिर मेरी चॉइस थी मैं किस में जाना है तो उनमें से एक बैंक के ये जीएम थे और ये उस पैनल में थे अगर ये वही व्यक्ति हैं तो क्योंकि मैंने कल जब नाम पढ़ा तो मेरे को नाम बड़ा रिजम्बल हुआ है ना और जब नाम पढ़ा रिजम्बल मैंने थोड़ा सर्च किया इनके बारे में मैंने कहा इनकी हिस्ट्री तो तो इनकी हिस्ट्री ज़्यादा लिखी नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है वही है आ, और इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था एक बार सतीश कुमार कालड़ा जी ने उस पैनल में ये शामिल थे जी थे उस टाइम पर और थे उस पैनल अब आप कहोगे सर आपको उन पैनल के जी सर का नाम कैसे पता था आगे चलते हैं न्यूज में है ना? कुछ चीजें जो है बताई नहीं जाती इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन स्किल्स वर्क एंड मोबिलिटी ठीक है तो यहां पर आपका ग्यारहवा एडिशन इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जिसका टाइटल है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट दो इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन स्किल्स वर्क मोबिलिटी ठीक है ये एक रिपोर्ट आई है अब ये रिपोर्ट में रिपोर्ट है कि किस तरह से के लिए कौन सी जगहें है जहां पर बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट है वहां पर काम करने का ठीक है जिसमें मैन के लिए बेंगलुरु कर्नाटका पुणे और तीसरे स्थान पर है कोची केरला और महिलाओं के लिए कोची केरला बेंगलुरु और त्रिवेंद्रम ये जगहें हैं जो एक प्रेफर्ड प्लेस आंकलन किया गया है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार ठीक है यह आंकलन किया गया तो इस रिपोर्ट को अच्छे से याद रख लीजिएगा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 हजार चौबीस इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल वर्क एंड दी मोबिलिटी ठीक है ओके कल एक मेरे पास कल मैं इंस्टाग्राम काफ़ी टाइम बाद वो मैसेजेज आते हैं ना इंस्टाग्राम पे मतलब नॉर्मली मैं मैसेज इतनी देखता नहीं हूँ कल मैं देख रहा था मैसेज जो मैंने एक स्क्रीन भी शेयर किया था ना मैसेज वो मैसेज भी सात दिसंबर का आया हुआ था मेरे पास सात आठ दिसंबर का तो कल मैंने देखा वो मैसेज जो आपके साथ मैंने टेलीग्राम पर डाला था है ना आप ये पढ़ो लिस्ट इतनी देर एक बात बताता हूँ तो देख रहा था और भी मैसेज देखे तो उसमें से एक मैसेज और आया होता सर मैं इस जगह पे ना मेरी पोस्टिंग है रूरल ब्रांच है ऐसी सर कोई अपना जुगाड़ ऐसे लिखा कोई जुगाड़ लगा के मेरी पोस्टिंग यहां करवा दीजिए ना अरे तो देखो तुम लोगों को, को ये भी उम्मीदें मेरे से ये भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि सर अपना जुगाड़ लगा के मेरी पोस्टिंग यहां करा दीजिए पढ़ाता हूं भाई कोई जुगाड़ नहीं लगवाता हूं। पढ़ा दिया हाँ इतना है कि जे भी पढ़ा दूंगा कोई समस्या है बैंक की नौकरी में कोई समस्या आ रही है तो नंबर होगा आपके मेरे पास आपके पास मेरा आप फ़ोन कर सकते हो लोग बच्चे फ़ोन करते हैं मुझे आज भी सिलेक्ट होने का और सर आज वो कह दिया सर आज ब्रांच मैनेजर ने वो कह दिया मैंने बहुत सुनता हूँ मैं बातें ठीक है तो समझाता हूँ बेटा नहीं कुछ नहीं होता ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा थोड़ा मोट तुम लोगों को लगता है मोटिवेशन की तुम्हें जरूरत अभी है इससे ज़्यादा जरूरत तुम्हें नौकरी करने के बाद नौकरी लगने के बाद हो गई तब अब तो तुम्हें वीडियोस मिल जाती हैं है ना अब तो तुम्हें कल स्मृति में हमने वीडियो डाल दी थोड़ा सा तुम्हें फील आ गया हाँ अच्छा अच्छा चलो कोई साथ में किसी और सर ने डाल दी किसी और मैम ने डाल दी तुम सुन लेते हो उस टाइम पे तो केस टू केस होगा ना आज ब्रांच मैनेजर ने क्या दिया उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो थोड़ी ना ढूंढोगे ब्रांच मैनेजर ने यह कहा तो इसका क्या किया जाए ऐसी वीडियो तो मिलेगी नहीं यूट्यूब पे फिर याद तो मेरे जैसा कोई बंदा आएगा फिर फोन करोगे मेरे को है ना तो लेकिन इसके लिए फोन मत करना मेरे को सर कोई जुगाड़ लगवा दो सर सर पोस्टिंग दूर है सर। ये एक्सपेक्ट मत करना मेरे से है ना इसके लिए फोन कर रहे हो मेरे को ये लो पढ़ लिया ठीक है फोर्ब्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2023 की लिस्ट आई है ओके okay. अब यहां पर क्या है अब सिस्टम यहां पर ये है कि इंडिया की जो है इकलौती पी सिंधु जी इसमें शामिल है ठीक है और इवन ये भी इसमें सिचुएशन ऐसी है कि मैक्सिमम खिलाड़ी इसमें टेनिस की आपको दिख रहे हैं है ना टेनिस के खिलाड़ी दिख रहे हैं बढ़िया से ग्यारह बैंक में एक साथ हो गया था आपका सर कितने मेरा फर्स्ट अटेंड में सारे निकले थे बेटा मैंने दो हज़ार दो हज़ार में हाँ दो में मैंने तैयारी शुरू की थी और विद इन सिक्स सेवन मंथ्स मेरा सिलेक्शन हो गया था सारे बैंक में सिक्स सेवन मंथ्स में मतलब मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लगी थी तीन महीने मुझे कोचिंग के लगे थे मैंने ऑफलाइन कोचिंग उस टाइम ऑनलाइन तो होती नहीं थी ऑफलाइन ली थी कोचिंग और जिस इंस्टीट्यूशन से मैंने कोचिंग ली थी उस इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ाया भी था बाद में गेस्ट फैकल्टी था मैं उस इंस्टीट्यूशन की काफ़ी सालों तक ऐसे नॉर्मल जाता था रूटीन में नहीं जाता था इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए जाता था बैंकिंग क्लासे लेता था है ना और तीन महीने तैयारी की उसके बाद फिर तैयारी करने के बाद फिर एग्जाम साथ में देने शुरू कर दिए थे फिर तैयारी होने के बाद जो है एग्ज़ाम निकलने शुरू हुए सिक्स मंथ के अंदर अंदर इंटरव्यू कॉल लेटर आने लगे थे और विद इन वन ईयर मैंने नौकरी लगा ली थी मेरी नौकरी शुरू हो गई थी विद इन वन ईयर मेरी तैयारी के मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई दो में और उसके बाद नौकरी लग गई थी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने अपनी कंप्लीट कर दिए थे मैंने प्रिपरेशन सारी और एग्ज़ाम देता था ये है Uh, कुछ और फैक्ट्स इगा इतिक चौथी टेनिस प्लेयर है जिन्होंने टॉप स्पोर्ट हासिल किया है इन द लिस्ट आफ्टर मारिया दो आठ से दो ठीक है सरेना विलियम 2016 से 2019 हजार उन्नीस रहे थे दो हजार बीस से 22 रही थी तो ये यहां पर ऑलरेडी चार टेनिस प्लेयर जो हैं इस पीरियड के दौरान टॉप टॉप रैंक पे रही और ये चौथी टेनिस प्लेयर हैं इगा इतिक जो कि इस लिस्ट में आई हैं इसके अलावा अमेरिकन टेनिस प्लेयर विनस विलियम्स प्लेयर विलियम्स इसमें ओल्डेस्ट है इस लिस्ट में और नाइनटीन ईयर ओल्ड कोको गोफ्फ जो है वो यंगेस्ट प्लेयर है इस लिस्ट में ठीक है तो ये भी आप याद रख लीजिएगा और ये वाली लिस्ट याद रख ले ज्यादा मुश्किल नहीं है थोड़े से ही हैं पांच ही तो हैं नंबर ये अमाउंट भी याद रख लेना वो अमाउंट पूछ लेंगे है ना आप सोचते रह जाओगे अमाउंट पूछ लेंगे आपसे ठीक है आगे चलते हैं इंडिया बांग्लादेश एग्रीज टू तो एक्सटेंड दी क्रूशियल आईबीपी रूट ओके सो एज पर प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इन दोनों ने मिलकर यहां पर एग्री किया है और एक वेस्ट बंगाल के में यहां पर सफर दिघी नाम की जगह है उसको एज अ न्यू पोर्ट ऑफ कोल यहां पर घोषित कर दिया गया है ठीक है तो ये यहां पर नया बंदरगाह वहां पर बनाया गया है दैट इज इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड के तहत गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है यह जगह याद रख लेना बस उसमें जगह ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया बांग्लादेश के बीच में कहां पर है वेस्ट बंगाल में ठीक है इतनी ही न्यूज है इसमें कुछ और है नहीं इंडिया बांग्लादेश दोनों मिलकर इस जगह को यहां पर एग्री किए हैं वेस्ट बंगाल में गॉट इट चल आगे चलते हैं आयुषी ओके okay. मेरा भी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया अरे कॉन्ग्रेचुलेशन आयुषी क्या बात है आज तो दिल्ली पुलिस वाले ही छाए हुए यार मेरी क्लास में दिल्ली पुलिस मुझे क्या फ़ायदा दिल्ली पुलिस में यार सिलेक्शन का कुछ मेरे को तो फ़ायदा कराओ दिल्ली पुलिस में मेरा दिल्ली में आना जाना लगा रहता है कोई नंबर वंबर दो यार आपका जरूरत पड़ती है दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त है ना यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब इन फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल फीफा फीफा क्लब वर्ल्ड कप है उस क्लब वर्ल्ड कप में यहाँ पर आपका मैनचेस्टर सिटी ने हराया फ्लूमिन को फ्लूमिन टीम को हराया यहाँ पर ब्राजील की है और इसने यहाँ पर मैनचेस्टर ने इसको हराया ये इवेंट कहाँ पर हुआ था जेदा सऊदी अरेबिया के किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित हुआ था फीफा फुटबॉल फीफा क्लब वर्ल्ड कप यहां पर आयोजित हुआ मैनचेस्टर सिटी ने किसको हराया फ्लूमिन को हराया uh, अभी हाल ही में इंडियन वीमेन टीम के मैचेस चल रहे थे जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को यहां पर हराकर 28 साल पह, मतलब पहली बार हुआ अट्ठाईस सालों में इंडिया ने अपनी होम सीजन होम सीरीज में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हराया है और ये यहाँ पर एक हिस्टोरिक फीट है मतलब हिस्टोरिकल 28 साल यार बहुत बड़ा अंतराल होता है है ना तो इंडिया अचीव हिस्टोरिकल फीट विद मैड इन टेस्ट विक्ट्री ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पहली जीत है यहाँ पर इंडिया की टेस्ट मैचेस में मुंबई में मैच हुआ था आ जा आगे चलना रघुराम राजन जी की नई बुक आई है ब्रेकिंग दी मोल्ड री इमेजनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर ये रिलीज की गई और इन्होंने लिखी है रोहित लांबा के साथ मिलकर ठीक है तो रघु रघुराम राजन जी ने रोहित लांबा के साथ मिलकर एक बुक लिखी है ब्रेकिंग दी मोल्ड री इमेजनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर ठीक है

ओके okay, चंदन बहुत बढ़िया बुक्स एंड गुड गवर्नेंस डे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पूर्व प्रधान्मंत्री, लेट श्री अटल बिहारी जी के जन्मदिवस को यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है आ, आपका ये 2014 में इसके इनिशिएट लिया गया था स्टार्ट किया गया था जब पहली बार मोदी सरकार यहाँ पर बनी थी तो उनके द्वारा यहाँ पर इसको घोषित किया गया था साथ ही साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ भी यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न यहाँ पर आ, नहीं इनको अवार्ड दिया गया तो भारत रत्न अलोंग विद पंडित मदन मोहन मालवीय जी मरणोपरांत दिया गया था दिसंबर 25 को गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पर आपका और इस मौके को यहाँ पर गुड गवर्नेंस वीक के रूप में भी ऑब्जर्व किया गया सुशासन सप्ताह इसको कहा गया जो कि उन्नीस दिसंबर से स्टार्ट हुआ 25 दिसंबर को एंड हुआ इस वीक के दौरान बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में यहां पर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा स्पेशल बुकलेट रिलीज की गई यहां पर ठीक है जो भी पच्चीस रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है उनसे संबंधित इसके अलावा यहाँ पर आपका एक ई ऑफिस एडवांस एनालिटिक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया जो कि यहाँ पर आपका सेंट्रल सेक्रेटरी है, जो केंद्रीय सचिवालय है जहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको और स्मूथन करने के लिए उसके एनालिसिस के लिए ये किया गया इसके अलावा एक नई मोबाइल ऐप सीपी ग्राम्स मोबाइल ऐप लॉन्च की गई यहाँ पर आपकी और एक कॉफी टेबल बुक भी यहाँ पर आपकी इसी कैंपेन के दौरान आउटकम्स ऑफ द कैंपेन विल बी लॉन्च ड्यूरिंग द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ठीक है ये भी रिलीज किया गया है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये 24 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है आपका नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत छह फंडामेंटल राइट है आपके राइट टू सेफ्टी राइट टू चूज राइट टू बी इन्फॉर्म राइट टू बी हर्ड राइट टू सी क्रेडल राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये छह यहाँ पर आपके यहाँ पर चीजें हैं राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आती है, है छह के छह राइट्स को अच्छे से रट लेना मैं एग्जामिनर होता तो मैं जरूर इन छह राइट्स में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता ठीक है छह राइट्स कौन से हैं और कैसे हैं क्यों हैं कितने हैं ये सब यहां पर आपका लिखा हुआ है ठीक है तो अच्छे से इन सब को याद कर लेना राइट टू सेफ्टी राइट टू चूज इंफॉर्म हर्ड रेड्रेसल कंज्यूमर एजुकेशन वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है जो पर्टिकुलरली आप लोग सिख धर्म से अगर बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको इस डे के बारे में जरूर मालूम होगा कि क्या खास बात थी और इसी को यहाँ पर आपका उस दिन को खास बनाते हुए यहाँ पर वीर बाल दिवस की घोषणा की गई थी कुछ साल पहले यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा ओके okay, अगर पढ़ना चाहो थोड़ी हिस्ट्री तो पढ़ लेना यहाँ पर अच्छा इसके ऊपर कई मूवीज़ में भी जिक्र किया गया है आपका तो एक काफ़ी एक आ, इंपॉर्टेंट डे माना जाता है आपका आपका सिखिजम में राइट right? चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं उम्मीद का तो आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको एंड ये अगर आप मेरे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं अगर आप वीडियो कोर्स फॉलो करना चाहते हैं प्लस पी प्लस क्विजिज कोर्स जिसके अंदर ये सब कंटेंट आपको मिल जाएगा ये इस प्राइस पे उपलब्ध है यहाँ पर आपको ठीक है और अगर आप अकेला पीडीएफ और क्विजेज़ कोर्स करना चाहते हैं तो इस प्राइस पे उपलब्ध है उम्मीद करता तो हूँ आप क्रॉसवर्ड जरूर अटैम्प्ट कर रहे होंगे डेली क्विजेज अटैप्ट कर रहे होंगे स्नैपशॉट इसके अंदर आते हैं वो क्विज अटैम्प्ट कर रहे होंगे बैंकिंग अवेयरनेस के क्विजेस में अपलोड हो रहे हैं वो अटैम्प्ट कर रहे होंगे सारे के सारे क्विजेज़ जरूर अटैम्प्ट किया कीजिए क्योंकि जब तक आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे लेकिन क्विजेज अटैम्प्ट नहीं करेंगे कहीं ना कहीं आप लैक करेंगे कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे बाकी उन लोगों से जो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं डेली क्विजेज़ में ठीक है मैं कोशिश करूंगा विद इन फ्यू डेज मैं डेली बेसिस पर आपको प्रीवियस डे जिन जिन्होंने कोई अटैम्प्ट है उनके लीडर बोर्ड यहाँ पर दिखाने के ताकि आपके अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए कि हमें भी क्विजेस को अटैम्प्ट करना चाहिए ठीक है तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग कि मैं डेली बेसिस पर आपके सामने वो लीडर बोर्ड प्रेजेंट करूँ ना ताकि आपको फील आए कि हाँ यार बाकी लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे गॉट इट ठीक है और इतनी अच्छी आपको क्विजे दी जा रही हैं उनका जरूर फ़ायदा आप उठाइए थैंक यू सो मच आज के सेशन को एंड करते हैं अगर आप बाकी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं उनके सारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं जिस तरह से कल स्मृति मैम ने आपके लिए सेशन लिया था बहुत उम्दा सेशन था आज भी एक और सेशन होगा मैम का इस चैनल पे साढ़े बारह बजे आ जाना आज एक मैम टफे शिफ्ट का एक और पेपर लेकर आएंगे इनके एस बी क्लर्क में बहुत अच्छी शिफ्ट बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको किस तरह से अटैम्प्ट करना है क्या अप्रोच होनी चाहिए टफे शिफ्ट की कौन सा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए इस तरह की अप्रोच लेकर आज आपको साढ़े बजे मैम मिलेंगी रीजनिंग का एक मॉक ट सॉल्व कराएंगी और हमारे साथ बने रहिए जुड़े रहिए और एक तरीक़ का वेट कीजिए एक तरीक़ को कुछ कुछ बढ़िया होने वाला है आपके साथ हमारी तरफ से आपके साथ भी होने वाला है ऑब्वियस है आपके रिजल्ट आने वाला बहुत सारे स्टूडेंट्स का जैसे हम आपके साथ शुरू से बने रहे उसके बाद भी बने रहने का प्रयास है जैब कोर्स के थ्रू है ना उम्मीद करता आप कॉन्टेक्ट में रहेंगे और आप ज़रूर आएंगे उस दिन मैं आपको एक नंबर भी दूंगा जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा तो ज़रूर आप मुझे उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आपको एक सीक्रेट ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा ठीक है जो एक्सक्लूसिव बैंकर्स का ग्रुप है और उसमें ऐड करके फिर आगे तो फिर बातचीत होती रहेगी हमेशा के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना केस कोई क्वेरी है तो पूछ लो नहीं तो मैं सेशन एड करता हूं ठीक गिव अवे विनर गिव अवे किसको दे विनर गिव अवे चलो आज देखते हैं कोप uh, कराएंगे चलो आप ही में से देखते हैं आज ना, रेंडम नाम चुनता हूं, आज ना ना नाम चुनता उसको गिव अवे करते हैं रुको किसका नाम चुने किसका नाम चुने किसका नाम चुने आ, बच्चे छोटे बच्चे से कराते हैं ना ऐसे आंख बंद करके देखो स्क्रॉल कर रहा हूं ठीक है जिसके नाम के ऊपर उंगली आगे उसको मोटस मिल जाएगा ये है विराज रॉय विराज रॉय विराज रॉय एक काम करना इंक्वायरी डॉट लर्निंग नीति एट जी मेल डॉट कॉम पे एक स्क्रीन शॉट भेज देना जो तुम्हारे गूगल प्रोफाइल का हो है ना और अपना नंबर भेज देना जिससे तुमने लर्निंग नीति पे Login कर रखा है रजिस्टर कर रखा है तुम्हें तो मॉक टेस्ट एक्टिव कर दिया हमारा मॉक टेस्ट डेज के अंदर अंदर, ठीक है बिराज रॉय कर देना मैसेज ठीक है ओके okay. पता नहीं बिराज अब चला भी गया कि नहीं हो गया हो गया गीवो वे <laughs> मेरा अवे अलग ही होता है ना, अपना अवे लग गया अपना फंडा लग गया है क्या नहीं है है था बीच में आया था नाम यार उसने थैंक यू बोलकर गया वो बंदा थैंक यू सर लिखा था उसके कमेंट में ऐसा नहीं सर दोबारा ऐसे थोड़े ना होता चलो डेली किया करेंगे ठीक है डेली एक कर देंगे पक्का डेली तो नहीं कहूंगा हर एक दूसरे दिन मुझे याद दिलाना सर आज दो दिन हो गए आज एक गिव अवे करते हैं रैंडम आपके सामने करूंगा ठीक है जिसका कमेंट में नाम आ गया जिसपे उंगली आ गई स्क्रॉल करूंगा जिसका आ गया उसको गिव अवे। डन। है ऊपर ऊपर चला गया बेटा ऊपर-ऊपर चला गया वो चला गया होगा ना वो थैंक यू बोल के चला गया उसने उसका कमेंट था थैंक यू सर तो थैंक यू बोल के चला गया वो निकल लिया ठीक है चलो बिराज जब भी कल आएगा क्लास में ऑब्वियस लाइव सेशन ही देखता हूं तो कल आएगा क्लास में तो उसको इन्फॉर्म कर देना अब तो क्या ही देखा वो वीडियो है ना सर जिसके पास मोक है उसको क्या मिलेगा उसको आप उसको जो आपको चाहिए मतलब उसके इक्वलेंट देखो दूसरी चीज़ क्रॉसवर्ड है अगर क्रॉसवर्ड भी आपके पास तो रिफंड करवा दूंगा बस यही है अगर इसमें मोक टेस्ट है तो उसको क्रॉसवर्ड दिलवा दूंगा अगर क्रॉस अगर मोक टेस्ट और क्रॉसवर्ड दोनों है उसके पास तो उसको रिफंड दिलवा दूंगा तो ऐसा नहीं है जिसके पास ऑलरेडी उसका चांस नहीं है उसको भी चांस मिल सकता है ना उसका भी चांस है उसको रिफंड मिल जाएगा बस सिंपल सी बात है ना तो ऐसा नहीं है कि मो मोकटस की वेट करते रहो कि सर हमें देंगे सर हमें देंगे हम तो खरीदते नहीं हैं और सर का सर दे ही देंगे कभी ना कभी तो है ना तो ले लो उसका अवे में आ गया तो रिफंड हो जाएगा टेंशन नहीं तो कोई बात नहीं भाभी अगर नाम आ गया तो तुम्हें रिफंड मिल जाएगा यार तुम्हारे नाम आने के ऊपर है क्यों टेंशन ले रहे सर ठीक है हम भी थैंक यू करेंगे <laughs> जरूर धोनी थैंक यू वाले कुकुरु मैं क्लास के बीच में भी कर सकता हूं क्लास के बीच में भी मेरा मन किया तो मैं क्लास के बीच में क्लिक कर दूंगा चलो बाय तो बाय